हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाऊंगी मेरे गार्डन में क्या क्या फ्लावर्स खिलाए। शुरुआत करते हैं एक ब्यूटीफुल कैनल लिली के साथ। ऑरेंज और येलो कलर का ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है, बहुत ही अट्रैक्टिव कलर है। फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए फिर भी पूरा देख लेना, क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा प्लांट्स आपको दिखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, ये देखिए पिंक हिबिस्कस का प्लांट। ये प्लांट आप बहुत बार देख चुके हैं। आज 5 फ्लावर्स खिलाए और बहुत सारा बर्ड्स इसमें है। और ये है मोगरा। आज साइज देखिए मोगरा का कितना बड़ा साइज है। और ये है कामिनी का प्लांट। इसके ऊपर मेरा एक वीडियो ऑलरेडी है, आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं। ये मेरा कंटिन्यू ब्लूमिंग कर रहा है ये प्लांट। और आज भी देखिए कितना सारा फ्लावर इसमें खिलाए। वाइट कलर का छोटा छोटा, बहुत ही दिखने में खूबसूरत होता है इसका फ्लावर्स। और अब मैं चले आई हूँ मेरे घर के बैकयार्ड पे। और एक क्यूबन बटरकप का प्लांट है। और मेरे पास ये प्लांट्स पूरा भर गया है, हर एक पॉट्स में, ग्राउंड में, हर जगह ये भर गया है। और ये देखिए रेड कलर का देसी हिबिस्कस। और मेरे पास ए प्लांट्स मेरे पास दो हैं, और दोनों ही मैं कटिंग करके लगाई हूँ। इस साल बहुत देर से इसका ब्लूमिंग स्टार्ट हुआ है, क्योंकि विंटर में मैं दो प्लांट्स का ही एकदम हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, इसलिए थोड़ा लेट से इसका बरसाना या ब्लूमिंग करना स्टार्ट हुआ है। चलिए देखते हैं और भी फ्लावर्स। ए विन का अभी खिलना स्टार्ट हुआ है, जितना दिन बढ़ेगा पूरा खिल जाएगा। बहुत ही पर्पल कलर का है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। नेक्स्ट देखें, ये है देसी विन का कहते हैं इसको। और ये प्लांट तो हर घर पे है, और एक बार आप एक लगाइएगा पूरा भर जाएगा। और ये है रेड कलर का विन का। ये हाइब्रिड विन का मुझे मिला 10-10 रुपए में। और ये है पोर्टुला का, जिसे टाइम फूल भी कहते हैं, ऑफिस टाइम भी कहते हैं। ये देसी वैरायटी का है। और अभी तो मॉर्निंग है, छोटा सा है, खिलना स्टार्ट हुआ है। ये है रेड कलर का। और ये है वाइट कलर का एक जोड़ा। मैं जस्ट कल ही इसको लगाई हूँ, और लेकिन अभी तक इसका फ्लावर मैं कट नहीं किया हूँ, लेकिन मैं कट जरूर कर दूँगी। अभी मैं इसको बस्ते में लगाई हूँ। और इसके पास से ना कितना अच्छा एक मीठा मीठा खुशबू भी आ रहा है। और ये है येलो कलर का ओलियंडर, छोटा सा प्लांट है, इसलिए मैं अभी इसको छोटा सा पॉट में ही लगा के रखी हूँ। और ये सीड से ग्रो किया हुआ प्लांट है। और ये है ऑरेंज कलर का टिकोमा। लास्ट साल मेरे प्लांट पे ब्लूमिंग नहीं हुआ था, लेकिन इस साल स्टार्ट हो गया है। और देखिए ऑरेंज कलर के बीच में येलो कलर है, ये भी बहुत ही खूबसूरत दिखने में होता है। और एक बहुत ही हरी प्लांट है डिकोमा। और ये है चांदनी का प्लांट। ये मेरा छोटा सा प्लांट है, लेकिन रोज इसमें भरपूर फ्लावर्स होता है। और इसका ही मैं कटिंग करके लगाई हूँ, कटिंग करके नहीं, इसका स्टेम टूट गया था, वो मैं लगाई थी और वो भी ग्रो करने लगा है। और ये है एलोवेरा का प्लांट, छोटा सा एलोवेरा का प्लांट, लेकिन देखिए कितना सारा इसका बेबी एलोवेरा प्लांट इसमें से निकलने लगा है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट दिन मैं और भी बहुत सारा प्लांट्स आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन मेरा ये अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैप्पी गार्डन।